नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही हो गया होगा कि आज आप सभी लोगों का भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने भारत के चार भौतिक विभाजन यानी फोर फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया को मैंने करके बताया था, और ये आज भारत का भौतिक विभाजन में पार्ट थ्री है। पार्ट थ्री है, इसका मतलब ये कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के भौतिक विभाजन की क्लास नंबर तीन है। इससे पहले अर्थात इससे पूर्व दो क्लासें हमारी हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो गया होगा, आप सभी लोग कई दिन से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बाखूबी तरीके से मालूम हो गया होगा, हमारा नाम है साहिल शेख और मैं आपके कंप्लीट जीएस के तैयारी को आसान बनाने के लिए आपके इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, और आज फाउंडेशन कोर्स इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्म कराना चाहूंगा, ज्योग्राफी में मैं इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूर्ण इसको करवाऊंगा। उसके अलावा पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री के तीनों पार्ट कवर किए जाएंगे। इसमें मैं कह सकता हूं एंशियंट, मॉडर्न एंड मेडाइवल, तीनों पार्ट कवर किए जाएंगे। साइंस के भी आपके तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्टों को कवर किया जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और तीनों, देखिए जितना भी मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, सारे के सारे कंटेंट जो हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को लाइए और अब मुझसे पढ़ने के बाद आप पेपर को सॉल्व कीजिए और तब बताइए। आप सभी लोग मुझे इन्फॉर्म आप बताइएगा, मेरे को कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 8299640585 पर आप मुझसे या तो व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर लीजिएगा या कॉल के थ्रू संपर्क कर लीजिएगा। अगर किसी कारणवश मैं कॉल को रिसीव ना कर पाऊं, आप मतलब परेशान मत होइएगा कि मेरा कॉल रिसीव नहीं किया गया। मैं रिसीव करने का वैसे तो पूर्ण प्रयास करूंगा। अगर आप सभी लोगों को कॉल रिसीव ना किया जाए तो आप सभी लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो उसके अलावा मैं बात करूं, मैथमेटिक्स की क्लासें अभी आपकी इस चैनल पर नहीं हो पा रही हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स बेसिक टू एडवांस मैं स्वयं आपके इस चैनल पर ले रहा हूं। आप सभी लोग देखिए हमारे रीजनिंग के भी क्लासों को, बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ाया जा रहा है। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को चर्चा करूं तो थ्योरी के साथ चर्चा करूं, क्योंकि थ्योरी अगर आपके माइंड में डेवलप हो गया, आपके माइंड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देखो दो ही चीज होता है भाई, पहला तो होता है कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, दूसरा चीज होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितना, किसका, प्रीवियस ईयर पेपर का आप संकलन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस, तभी तो आप कर पाएंगे प्रैक्टिस, और भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, विभवत प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, तो इसी दो पर हमारा सिलेक्शन टिका हुआ है। इतना कार्य अगर हम करते हैं तो एक अच्छे अच्छे हम व्यक्ति कहलाएंगे, समाज में हमारी इज्जत होगी, और ठीक है हर एक चीज, क्योंकि ये चीज है कि अगर आप सारे चीज करते हैं भाई तो आप अपने जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो कल हमने आपको बताया था फिजिकल रीजन के बारे में। ठीक है, जो कल की जो क्लास थी इसमें मैंने ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा का पूरा पार्ट क्लियर कर दिया था। तो आज मैं आप सभी लोगों को ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट रुकिए जरा। देखिए यहां पे सुनिएगा मेरी बातों को, थोड़ा सा दिक प्रॉब्लम आ रही है आज, पता नहीं क्या ये स्क्रीन पर कीबोर्ड आ जा रहा है। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझिएगा आप सभी लोग। कल हमने आपको बताया था यूं इस प्रकार से, इसका हमने नाम दिया था ट्रांस हिमालय। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय में हमने आपको बताया था कि तीन श्रेणियां आती हैं। पहला
पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा मैं कह सकता हूँ जास्कर। ठीक है, ये तीन श्रेणियां किसकी हैं? तो मैं कह सकता हूं कि ट्रांस हिमालय की ये तीन श्रेणियां हैं। इतनी बात आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर। आज मैं जो बात करूंगा, तो मैंने आपको बताया था महान हिमालय के बारे में, पूरा यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, यानी उत्तर से पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरा का पूरा फैला हुआ है और इसी का नाम है महान हिमालय। नोट डाउन करिए आप। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट हिमालय। तो यहां से आप सभी लोगों को बनाना है हेडिंग, और हेडिंग बनाइए यहां से। पहले मैं इसको पूरा इरेज करूंगा। पूरा फैला हुआ ये महान हिमालय, हेडिंग बनाइए आप सभी लोग यहां पर। पहला महान ये आपका हेडिंग हो गया, और हेडिंग है महान हिमालय। तो हमने आपको जो शुरुआत में बताया था, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि फोर फिजिकल रीजन हैं। उस फोर फिजिकल रीजन में हमने आपको बताया था कि अनेक प्रकार से हम पूर्व क्लास आप देखिए सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने तीन तीन मैंने तीन भागों सॉरी चार भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला ट्रांस हिमालय था, दूसरा जो मैं आज चर्चा करने वाला हूं ये महान हिमालय है। ये सब कुछ आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारी पूर्व क्लासों को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो महान हिमालय की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। महान हिमालय सबसे पहले, तो यहाँ पे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। उस प्रश्न का ये है कि महान हिमालय को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो आपके एग्जाम में ये भी दे सकता है हिमाद्री। तो महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। सुनना मेरी बात, इसके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स के साथ साथ मैं सबको मैं सारी चीज आपको इस मैप के थ्रू करके दिखा रहा हूं। पहली बात, मैं कह सकता हूं यह हिमालय पर्वत की, क्योंकि हिमालय पर्वत को हमने चार भागों में डिवाइड किया था। पहला ट्रांस हिमालय, जो मैं कल कर चर्चा कर चुका हूं। दूसरा आज मैं पढ़ाने वाला हूं ग्रेट हिमालय, इसको हम बोलते हैं महान हिमालय। तीसरा मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा मध्य हिमालय, फिर चौथा मैं आपको एंड में बताऊंगा शिवालिक, जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूं कि महान हिमालय जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सतत एवं ऊंची श्रृंखला है। सुनना मेरी बात, मैं ये कह सकता हूं कि महान हिमालय जो है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला श्रृंखला की सर्वाधिक, नोट्स आप सभी लोग बनाते रहिएगा हमारे साथ ही साथ। ठीक है, सतत वह ऊंची श्रृंखला है। ऊंची श्रृंखला है। उसके बाद और भी देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो इस पॉइंट का लिखने का अर्थ ये होता है, हमने हिमालय को चार भागों में डिवाइड किया। उन चार भागों में अगर मैं महान हिमालय की बात कर रहा हूं, अर्थात ग्रेट हिमालय की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो ग्रेट हिमालय आप देख रहे हैं ये हिमालय की यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वाधिक ऊंची एवं सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला अगर कोई है तो यही है हिमालय पर्वत, अर्थात महान हिमालय। ठीक है, इतनी बहुत आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर। अगर मैं बात करूं, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। मैं कह सकता हूं इसमें जो भी हिमालय पर्वत श्रृंखला के हिमालय के प्रमुख मुख्य शिखर हैं, प्रमुख मुख्य शिखर हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो देख सुनना मेरी बात, हमने बताया हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये पूरे हिमालय की, जो महान हिमालय की मैं बात कर,
ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची श्रृंखला है। अर्थात सुनो मेरी बात, ये महान हिमालय है, यहां पर इस प्रकार से इतने पर्वत वगैरह हैं। ऐसा करता हूं मैं इसको, आपको सुनो मेरी बात, पूरा का पूरा महान हिमालय समझना, इस कॉन्सेप्ट को, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये। पूरा का पूरा क्या है, मैं इसको नाम दे दे रहा हूं, बेसिक से आप समझिए। महान हिमालय है, मैंने ये बताया कि ये जो महान हिमालय में बात कर रहा हूं, ये भाई हिमालय का ही तो एक अंग है, ये हिमालय का ही एक अंग है। और मैं कह सकता हूं कि हिमालय के अंतर्गत जितने भी और पर्वत श्रृंखला है, इसमें ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अलावा शिवालिक, शिवालिक के अलावा मैं कह सकता हूं मध्य हिमालय, और मैं कह सकता हूं महान हिमालय। तो पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है ये। कौन है? यही है महान हिमालय। और मैं कह सकता हूं इसके अंतर्गत जितने भी आप शिखर देखते हैं महान हिमालय के अंतर्गत, अर्थात हिमालय के अंतर्गत जितने भी आप शिखर देखते हैं, वो सारे के सारे महान हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आप समझ रहे हैं, ठीक है। बस बेफिक्र रहिए, हमारे तरीके से आप नोट से क्रिएट करते रहिए बस, ठीक है। और मैपिंग पर ध्यान दीजिए जरूर से जरूर। अब अगर मैं बात करूं, यही जो प्रमुख शिखर की मैं बात कर रहा हूं, ये जो शिखर है, मैं कह सकता हूं हमेशा ये शिखर हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है। यानी ये जो मुख्य शिखर जो है, ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। अभी मैं आपको आगे जो पढ़ाऊंगा ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन, क्या होता है टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ठीक है, अर्थात उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सब क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि भारत के किस क्षेत्र में अधिक सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक ठंडी पड़ती है, कहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बर्फ गिरती है और अर्थात वहां पे बर्फ जमी रहती है। तो उत्तर भारत में आपको, आप सभी लोगों को पता है, पूरा का पूरा उत्तर भारत का रीजन ये बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, ये बात हो गया कह सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बर्फ ढकी रहती है, बर्फ, तो इस बर्फ के ढकने के कारण मैं कह सकता हूं, इसलिए, ठीक है, इसलिए इसमें बहुत हिमानियों का प्रवाह होता है, हिमानियों का, हिमानी का प्रवाह होता है। तो होप कि यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। हिमानी का अर्थ क्या है भाई? अगर बर्फ जमा है इस महान हिमालय में, मैंने बताया ये सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, तो बर्फ से ढके होने के कारण क्या है कि यहां से बहुत से हिमानियों का निर्माण होता है। भाई बर्फ है, बर्फ अगर गलेगा, बर्फ जब पिघलेगा, तो भाई जो पिघला हुआ पानी होगा वही तो हिमानी बनकर निकल जाएगा, ठीक है, वही तो भाई हिमानी बनकर निकलेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं, एक बात और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह सकता हूं जो महान हिमालय है, सुनना मेरी बात को, देखो यहां मैं यहां से ऐसा करता हूं, कलर दूसरा लेता हूं, गुलाबी कलर। अगर मैं बात करूं यहां से, तो सिंधु नदी का उद्गम यहीं से है, ये हो गया सिंधु रिवर, ठीक है। सिंधु रिवर की अगर मैं बात करूं, सिंधु रिवर की, एक मिनट रुकेगा जरा, अगर मैं सिंधु रिवर की बात करूं, तो सिंधु रिवर यहां से निकलती है तिब्बत से, और ये निकलते हुए भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश ये हमारा लद्दाख है, यहां से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और कहीं यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होते हुए फिर असम में प्रवेश करते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो मैं कह सकता हूं जो महान हिमालय है, ये महान हिमालय श्रृंखला जो है, यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, मैं कह सकता हूं यह हिमालय सिंधु नदी से लेकर
यूं इस प्रकार से बना लीजिएगा आप, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है। अगर मैं बात करूं ये जो श्रृंखला है, श्रृंखला सुनना मेरी बात को, ये जो महान हिमालय की मैं बात कर रहा हूं, तो महान हिमालय उत्तर में, ठीक है, उत्तर में तो कम है ये, उत्तर में तो कम है, और मैं अगर बात करूं दक्षिण में तीव्र है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि इसकी मैं ढलान की बात कर रहा हूं, ढलान अर्थात ये जो महान हिमालय, सुनो मेरी बात, ये महान हिमालय हो गया, और महान हिमालय का जो ढलान है ये उत्तर की ओर तो बहुत कम है लेकिन दक्षिण की ओर बहुत तेज है, ठीक है, दक्षिण की ओर बहुत ज्यादा तीव्र है, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। सो होप कि आप सभी लोगों को यहां तक कोई समस्या क्रिएट नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी आप विश्व के प्राय सभी जो सर्वोच्च शिखर हैं इसी श्रेणी में स्थित हैं। तो मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, और इरेज करने के बाद मैं आपको यहां से समझाने का प्रयत्न करता हूं, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। अब देखिए मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा यहां से। अब देखो मैंने बताया कि विश्व के सभी प्रायः, सभी प्रायः सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसी पर्वत के अंतर्गत आते हैं, मतलब महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब वो सर्वोच्च श्रेणियां कौन कौन सी हैं, नोट डाउन करिए यहां से आप सभी लोग। आप सभी लोग प्रतिदिन हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं यहां पर, तो सभी पर्वत श्रेणियों के नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व के सभी जो सर्वोच्च शिखर पाए जाते हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है ग्रेट हिमालय, अर्थात महान हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च श्रेणी है, सबसे पहले मैं बात करूंगा माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट अगर मैं बात करूं इसकी, जो अभी हाल ही में इसकी ऊंचाई चाइना और जापान के, सॉरी चाइना, हाँ चाइना के द्वारा ये अनुमान लगाया गया और मापा गया है, इसकी एक नई डेटा जारी किया गया है, 8,848, ठीक है, 8,848.48, ठीक है, ऐसा कुछ है एग्जैक्ट डेटा, ठीक है, मीटर में है। मीटर, ठीक है, ये हो गया। तो माउंट एवरेस्ट जो है, अब ये देखो लोकेशन कि माउंट एवरेस्ट है कहां पे, तो मैं कह सकता हूं ये आपको दिख रहा है नेपाल, ठीक है, यूं इस प्रकार से है यहां पे माउंट एवरेस्ट, ये सर्वोच्च शिखर है। मान लीजिए इस प्रकार से मैं बना के आपको बता दे रहा हूं, हालांकि इतना ऊपर नहीं है मैं, ठीक है, इसका नाम मैं दे रहा हूं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। दूसरा मैं अगर बात करूं तो कंचनजंगा, कंचनजंगा ये किस भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी लोगों को बताना है सिक्किम, सिक्किम में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मैं कह सकता हूं 8,598 मीटर, ठीक है, 8,598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। उसके बाद देखिए मैं बात कर रहा हूं नंगा पर्वत की,
नंगा पर्वत। अगर मैं बात करूं नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत ये हो गया। तो ये सभी जितने भी पर्वत वगैरह मैं आपको बता रहा हूं, माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में, ये नेपाल, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और कंचनजंगा कहां पे, वो देख लीजिए अब आप सभी लोग, ये देखो सिक्किम का एरिया है, इसको नाम दे दीजिए आप सभी लोग कंचनजंगा। कंचनजंगा, उसके अलावा मैं कह रहा हूं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की मैं अगर बात करूं उसके बाद नंदा देवी। ये सारे विश्व के प्रायः जितने भी सर्वोच्च शिखर हैं वो महान हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद में रखना है। नंदा देवी की मैं बात करूं तो नंदा देवी कहां पर स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगर ऊंचाई की मैं बात करूं तो 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये देखिए उत्तराखंड कहां पे है, ये देखिए यहां पर है उत्तराखंड, और यहीं पर मैं कह सकता हूं स्थित है। तो यहां पे लिख लीजिए आप सभी लोग नंदा देवी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, नोट डाउन कीजिए, कामेत, ठीक है, कामेत हो गया। उसके अलावा मैं कह सकता हूं नामचा बरवा, कामेत हो गया और नामचा बरवा हो गया। उसके अलावा मैं कह सकता हूं यहां पर मकालू, ठीक है, मकालू पर्वत भी इसी इसी महान हिमालय के ही पार्ट हैं। उसके अलावा मैं कह सकता हूं धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, ये जो पर्वत श्रृंखला जो आप देख रहे हैं ये कहां पर है? मैं कह सकता हूं ये नेपाल में दोनों के दोनों स्थित हैं, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर, जो मुझे लग रहा है कि इसके बारे में बताना कि ये किस किस देश में किस राज्य में है वो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, आप विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं तो यहां तक आप सभी लोगों का हो गया होगा क्लियर, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर। अब मैं चलता हूं अपने अगले हिमालय के बारे में। जो हमारा अगला हिमालय था, कहीं यहीं पर था, एक मिनट रुकिए जरा, हाँ अब देखिए यहां से ये है कि हमने तो चार भागों में हिमालय पर्वत को डिवाइड किया था। पहला हमने आपको बताया था ट्रांस हिमालय जो यहां से यहां तक था, दूसरा हमने बताया आपको महान हिमालय जो भी हमने आपको अभी हाल फिलहाल में बताया, तीसरा मैंने आपको बताया था कि इसी में स्थित है एक हिमालय और उसका नाम है मध्य हिमालय। तो मैं पूरा इरेज करूंगा, उसके बाद ही समझाने का प्रयत्न मैं आपको करता हूं, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को। अब जो अगला हिमालय का पार्ट है उस हिमालय को आप जान लीजिए, जिसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय जो है यूं इस प्रकार से ही फैला हुआ है यहां तक, यह है मध्य हिमालय। इसका मैं नाम दे दे रहा हूं मध्य हिमालय। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मध्य हिमालय की अगर मैं बात करूं, यहां पे नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग, मिडिल या मध्य हिमालय, मिडिल या मैं इसी को बोल सकता हूं लेसर हिमालय, इसको मैं हिंदी में कह सकता हूं मध्य या लघु हिमालय। देखिए अगर मैं चाहता ना हिमालय को मैं एक ही वीडियो में अर्थात एक ही क्लास में खत्म कर देता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अधिकांश लेक्चर में जिससे आपको पूरा फाउंडेशन आपका मजबूत हो, ये मेरा उद्देश्य रहता है, ठीक है ना। हेडिंग बनाइए आप सभी लोग,
मिडिल या मध्य हिमालय। इसके अंतर्गत अब आने वाले सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको यहां से बताया था महान हिमालय, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय आपस में किससे अलग होते हैं, यहां पे नोट कर लीजिएगा। महान हिमालय एच मीन्स हिमालय, और मैं कह सकता हूं मध्य हिमालय आपस में किससे अलग होते हैं, तो मैं कह रहा हूं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। इससे जुड़े दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट आप देखिए, इससे जुड़ा दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं यह हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है, यानी हिमालय पर्वत को चार भागों में डिवाइड किया। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं मध्य हिमालय। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे कटी फटी, सबसे कटी छटी पर्वत है, सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है ये। अगर मैं बात करूं यहां की ज्यादातर जो चोटियां हैं, सुनो मेरी बात, मैं ये कह सकता हूं कि जो मध्य हिमालय, जो लेशर हिमालय है, जो लघु हिमालय है, इस हिमालय की जो सबसे मतलब इस हिमालय की जो ज्यादातर जो चोटियां हैं, चोटियां जो ज्यादातर चोटियां हैं, मैं कह सकता हूं 5000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, ठीक है। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं मध्य हिमालय, तो इस मध्य हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं, मैं ये कह सकता हूं ये 5000 मीटर से अधिक हैं। ये इसके बारे में पॉइंट निकल गया आया। अब मैं अगर बात करूं कि इसी महान, इसी मध्य हिमालय की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मध्य हिमालय की जितनी भी नदियां वगैरह हैं, जो नदियां हैं, मैं कह सकता हूं 1000 मीटर गहरे गार्ज से होकर बहती हैं, ठीक है, 1000 मीटर गहरे गार्ज से होकर बहती हैं। ये देखिए, इसमें जो भी नदियां वगैरह आएंगी यूं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये गहरे गार्ज अर्थात 1000 मीटर गहरे गार्ज बनाते हुए ये प्रवाहित होंगे, ठीक है। ये इतनी बात आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर। अब यहां से मैं बताने का ये प्रयास करूंगा कि जो आप मध्य हिमालय देख रहे हैं, मध्य हिमालय, क्योंकि मध्य हिमालय की ही बात हो रही है, मध्य हिमालय कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं इस मध्य हिमालय के अंतर्गत कुछ श्रेणियां हैं, और उन श्रेणियों को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नोट करिएगा आप सभी लोग। पहली श्रेणी जो है, मैं कह सकता हूं पीर पंजाल श्रेणी, नोट डाउन कीजिए यहां पर, पीर पंजाल श्रेणी पहला हो गया। दूसरा मैं कह सकता हूं धौलाधर, धौलाधर श्रेणी तीसरा हो गया, ठीक है। तीसरा मैं कह सकता हूं महाभारत, महाभारत श्रेणी, और चौथा मैं कह सकता हूं नागभट्ट, सॉरी नाग टिब्बा है, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणिया। तो ये पर्वत श्रेणिया जो है, इसमें हमने आपको बता श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी आदि,
इस मध्य हिमालय पर्वत की ही सारी की सारी श्रेणियां हैं। ये हो गया। अब मैं अगर बात करूं, ये जो पीर पंजाल श्रेणी आप देख रहे हैं, यहां से आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, पीर पंजाल श्रेणी। हेडिंग बनाइए यहां पर, पीर पंजाल श्रेणी। ये हो गया पीर पंजाल श्रेणी, राइट। अब पीर पंजाल श्रेणी यहां से हो गया, तो पीर पंजाल श्रेणी की मैं अगर बात करूं तो ये स्थित कहां पे है, तो मैं कह सकता हूं ये पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कश्मीर में स्थित है। सबसे पहली बात, तो मैं कह रहा हूं कि जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहां पर स्थित है, तो वो कश्मीर में स्थित है। अब कश्मीर का स्थान आप देखिए कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर। ये तो भाई पूरा का पूरा क्या हो गया, लद्दाख। ठीक है, यहां से यहां तक जम्मू कश्मीर है पूरा का पूरा, फिर यहां से यहां का एरिया जो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, फिर यहां से यहां तक उत्तराखंड है, और यहां से लेकर यहां तक पूरा पंजाब है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जो पीर पंजाल श्रेणी है ये यहीं पर कहीं स्थित है, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये बात हो गई। मैं कह सकता हूं यह जो पीर पंजाल श्रेणी है हिमालय की सबसे लंबी अर्थात सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। ये हो गया, इसके बारे में लिख लीजिए आप सभी लोग। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है हिमालय की, ठीक है, हिमालय की सबसे लंबी लंबी और मैं कह सकता हूं सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई श्रेणी है तो वो पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं। मैं कह सकता हूं इस श्रेणी में दो प्रमुख दर्रे हैं, उन दो प्रमुख दर्रों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उन दर्रों का नाम, पहला दर्रा जो है उस दर्रे का नाम देखिए मैं मैप में आपको दिखा रहा हूं। पहला हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, दूसरा मैं कह सकता हूं बनिहाल दर्रा। दर्रा, आप सुनना मेरी बात को, मैं कह सकता हूं कि बुर्जिल दर्रा जो आप देख रहे हैं और जो बनिहाल दर्रा आप देख रहे हैं, ये हो गया जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करते हैं। सुनो मेरी बात, हमने आपको बताया, सुनना आप मेरी बात को, जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, ये बात हो गई। अब देखो मान लीजिए कहीं पर, ठीक है, मान लीजिए ये तो जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी एक राजधानी है, दो राजधानी है, एक तो है जम्मू एक है श्रीनगर। मान लीजिए श्रीनगर यहां पर है, ठीक है, ध्यान देना पेन को, पेन पर ध्यान देना, और मैं कह सकता हूं इसी के अंतर्गत जो श्रेणी आ रही है उसका नाम क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। यह है पीर पंजाल श्रेणी, और ये जम्मू कश्मीर, सॉरी ये जम्मू हो गया और ये श्रीनगर हो गया। हमने बताया कि पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत दो प्रमुख दर्रे हैं, पहला बुर्जिल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। देख रहे हैं आप, क्लियर हुआ इतनी बात? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जम्मू और श्रीनगर को जो कनेक्ट करते हैं वो बुर्जिल दर्रा है और बनिहाल दर्रा, ये दोनों दर्रे जो हैं ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करते हैं। जब आप इस दर्रे से होकर जाएंगे तो आपको इसी में एक सुरंग मिलेगी। ठीक है, आपको इसी के मध्य एक सुरंग मिलेगी और उस सुरंग का नाम है, मैं कह सकता हूं जवाहरलाल सुरंग, जवाहर सुरंग जो बनिहाल दर्रा अर्थात जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। यहां तक आप सभी लोगों को
हो गया होगा क्लियर, ठीक है। उसके अलावा आप सभी लोग यहां पर कुछ नोट पॉइंट हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने के चांसेस बन जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी चीज छूटे, चाहे वो फैक्ट ही क्यों हो, मैं सब कुछ आपके नोट्स में क्रिएट करवाने वाला हूं। मैं कह सकता हूं कि इसी श्रृंखला के अंतर्गत अर्थात मध्य हिमालय के अंतर्गत, इसी श्रृंखला के, ठीक है, के अंतर्गत कुछ ऐसी हैं जो घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां देखिए, ये दर्रा वगैरह क्या होता है, मैं किसी दिन एक ऐसा सेशन लेके आऊंगा, वो हट के रहेगा, मतलब ज्योग्राफी का पार्ट तो रहेगा लेकिन इससे जुड़ा हुआ पार्ट नहीं रहेगा, मतलब इस फाउंडेशन कोर्स का वो पार्ट नहीं रहेगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको बेसिक में कि दर्रा होता क्या है, ठीक है। हो सकता है आपको फ्राइडे, आज मंडे ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अर्थात 2 दिन या उसके तीसरे दिन बाद मैं ये सेशन लेके आऊं कि दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा का अर्थ क्या होता है, दर्रा होता कहाँ पे है, दर्रा किस जगह स्थित होता है, ये सारी चीजों को उस क्लास में मैं डिटेल्स में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो फ्राइडे की ये सेशन मैं लगाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि जो इसी श्रृंखला के अंतर्गत कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं कश्मीर घाटी, नोट करना आप सभी लोग, पहला हो गया कश्मीर घाटी जो कहां पर स्थित है, कश्मीर में। दूसरा मैं कह सकता हूं वो है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं लाहौल, घाटी ये कहां पर स्थित है, तो मैं कह सकता हूं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये यहां पर, ये सारे के सारे मध्य हिमालय के ही पार्ट हैं। तीसरा मैं कह सकता हूं, एक और है जिसको हम बोलते हैं स्पीति, स्पीति और भी हैं, इसमें मैं कह सकता हूं कांगड़ा और भी है, इसमें मैं कह सकता हूं कुल्लू घाटी, ठीक है, और भी है जिसमें, हाँ ठीक है, इतना ही है, जितने आपके लिए आवश्यकता इतनी ही है, ठीक है, क्योंकि और भी ज्यादा जो जाएगा वो अलग एग्जामिनेशन यूपीएससी लेवल का फिर हो जाएगा। ये मैं आपको एसएससी लेवल का तो करा रहा हूँ, लेकिन एसएससी लेवल से हटके है सारे जी, जो जो भी नोट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये फाउंडेशन कोर्स जो आपका है बिल्कुल फाउंडेशन आपको मजबूत कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, तो यहां तक आप सभी लोगों का मध्य हिमालय आज समाप्त होता है। अब मैं चर्चा करूंगा शिवालिक अर्थात बाहरी हिमालय की, जिसको हमने नाम दिया था, हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला हमने पार्ट पढ़ा था, सॉरी पहला हमने पार्ट क्या पढ़ा था, एक मिनट रुकिए जरा, पहला हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, फिर हमने पढ़ा ग्रेट हिमालय, ये भी पढ़ लिया, फिर अभी हमने पढ़ लिया मध्य हिमालय, अब पढ़ेंगे हम शिवालिक हिमालय। इसका नाम क्या है, शिवालिक, नाम नोट कर लीजिए शिवालिक, तो पूरा मैं यहां से इरेज करूंगा और आपको भरपूर पूर्ण रूप से आपका नोट्स भी क्रिएट हो और सब कुछ आपको समझ में भी आए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ये अब बचा क्या, ये शिवालिक रेंज, ये बिल्कुल बाहरी हिमालय है, इसको हम बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। तो नोट हेडिंग बनाइए आप सभी लोग यहां पर, शिवालिक हिमालय, अर्थात इसी को मैं बोलता हूं आउटर हिमालय, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य, या मैं कह सकता हूं इसी को शिवालिक, हिमालय, ये हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, ये हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बने, ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था,
कि मैं ये पूरा लिखता चला गया आपका जो इस ऐप में ऐप जिसमें जिस ऐप से मैं ये आपकी वीडियो क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, मैं लिखता यहाँ पे चला गया, ये आपकी शायद जो कैमरा था वो ऑन नहीं था, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको हाईलाइटर लेके समझा दे रहा हूँ। मैंने आप सभी लोगों को बताया आउटर हिमालय के बारे में, आउटर हिमालय, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाहरी हिमालय। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे बाहरी अर्थात सबसे दक्षिणी हिस्से को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, ठीक है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो भाई हिमालय पर्वत को हमने इतने भागों में बताया था, जिसमें हमने चार पार्टों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बताया क्या, ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर हमने बताया आपको मध्य हिमालय। इसका मतलब सबसे बाहरी जो आप देख रहे हैं बाहरी, यही तो है शिवालिक रेंज, इसको हम बोलते हैं आउटर। तो यहां तक आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे बाहरी है, ठीक है, ये और सबसे नवीन है। हमने बताया इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई की मैं बात करूं अगर, ये देखिए चौड़ाई की बात कर रहा हूं, ये इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई लगभग 10 से लेकर 50 किलोमीटर के अंदर तक ही इसकी चौड़ाई है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये डेटा दिया गया है किताबों में। और ऊंचाई की बात करूं मैं, ऊंचाई 600 किलोमीटर से लेकर 1500, सॉरी 600, 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, क्योंकि ऊंचाई जो है ये मीटर में मापी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आउटर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर में, सुनना मेरी बात, उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय अर्थात जो महान हिमालय मैंने आपको पढ़ाया था, उत्तर में स्थित यानी इसके उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय के द्वारा लाए गए जो असंबीतिक असंपीड़ित जो अवसाद थे, उसके अवसादों के कारण हुआ है। मतलब ये समझो कि जिसकी, ठीक है, जिसकी घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि महान हिमालय के द्वारा जो भी अवसाद आते गए अवसाद, तो उन्हीं के अवसादों के कारण जो भी जलोढ़ की मोटी परत और मैं कह सकता हूँ जो भी घाटियां हैं उसका निर्माण होता गया, निर्माण होता गया, उस कारण से इस पर्वत का अर्थात शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर कि क्यों निर्माण इसका हुआ है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात। मैं ये कह सकता हूं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय अभी आपने बताया था यहां से लेकर पूरा यहां तक था, तो मैं कह सकता हूं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य अनेक प्रकार की घाटियां तथा कोणधारी वन तथा छोटे छोटे वन पाए जाते हैं। मैं कह सकता हूं मध्य हिमालय, ये देखिए मध्य हिमालय और इस शिवालिक हिमालय के मध्य मैं ये कह सकता हूं कि अनेक प्रकार की घाटियां, ठीक है, अनेक प्रकार के कोणधारी वन, अनेक प्रकार के छोटे वन पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में, तो सुनना मेरी बात, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से, सुनना मेरी बात को सुनना, जिन्हें पश्चिम में तो दून के नाम से तथा पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं, अर्थात पश्चिम में तो इसको दून के नाम से और पूर्व में इसके इसे द्वार के नाम से जाना जाता था। किसके? मध्य हिमालय और
शिवालिक हिमालय के मध्य कुछ छोटी छोटी घाटियां, कुछ छोटी छोटी कोणधारी वन, कुछ छोटे छोटे वन पाए जाते थे, जिन्हें पश्चिम में तो दून के नाम से और पूर्व में द्वार के नाम से। इन दून के नाम से मैं कह सकता हूँ देहरादून, और इस द्वार के नाम से मैं कह सकता हूँ हरिद्वार। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि इन्हीं के मध्य आप देख रहे होंगे यहाँ पर उत्तराखंड है, देखिए ये उत्तराखंड। ठीक है, इन्हीं में यदि उत्तराखंड का रीजन पूरा यहां से यहां तक है, उत्तराखंड राज्य। मैं कह सकता हूं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है इन्हीं छोटी छोटी पहाड़ियां जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य हैं। नोट करिए इसको, बुग्याल या पयाल, ये हो गया। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि ये जो घाटी आप देख रहे हैं, ये जो घाटियां हमने बताया आपको मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, ये घाटियां जो है इन घाटियों के समीप लोगों का सघन बसा हुआ है, यानी अत्यधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय, जो शिवालिक हिमालय आप देख रहे हैं इसके निचले भाग को, जो भी निचला भाग है इसे तराई के नाम से जाना जाता है या तराई कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। तो मैंने आपको भारत के भौतिक रीजन, जो भारत का फिजिकल रीजन था जिसमें मैंने चार भागों में डिवाइड किया, उसका आज यहाँ से समापन हमने कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, आप मुझे आप संपर्क कर लीजिए कि आपको समस्या कहाँ पर आ रही है। उसके अलावा मैं रीजनिंग की भी क्लास आपके इस चैनल पर ले रहा हूँ। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल पर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग लाभ उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल हम इतना ही, मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। क्लास एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करें, क्योंकि अपना चैनल न्यूली होने की वजह से, अर्थात नया होने की वजह से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो आप ही हमारे दम हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो निश्चित है कि अपना चैनल किसी अच्छे लेवल पर पहुंचेगा, जरूर से जरूर पहुंचेगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो भी साथी जुड़े हैं बहुत अच्छे हैं, और अच्छी से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।